एक अल्मोड़े के एक दूरस्थ गांव तारीख खेत के थे, वो साइंटिस्ट थे अमेरिका के अंदर, और उनकी साइंस की विज्ञान को वहां के लोगों ने अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट में उनको रिकॉर्ड किया था, उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ। एक कुकुरती पे जो पीपल कोटी के पास हेलन गांव के है 95 ईयर के, वो थे, वो दुनिया में अमेरिका में उनका अपना नाम है, बड़े वैज्ञानिक थे, एक पवार साहब थे। तो हम जा रहे हैं, हमारा जो माल प्रोडक्ट अच्छा है वो हिंदुस्तान में रहे, वो दुनिया में रहे, मानव मानवता की जरूरत है। ये जो विज्ञान जो भूगोल की सीमाएं बनाई है ये हमने बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई है। ये भूगोल में देश बनते हैं, हिंदुस्तान बनता, पाकिस्तान बनता, यूरोप के जो सारे देश है ये हमने बनाई है। इंसान की फितरत है वो हर जगह जाता है। क्या पेन सीखने के लोग यहां नहीं आए होंगे? आज भी हमारे लोग कहते हैं कि कुछ लोग नीचे से ऊपर को आए, कुछ लोग यहां से नीचे गए, ये आना जाना दूर होगा। प्रवास नाम को अगर हम जो जाते हैं, हम अपनी संस्कृति को नीचे ले जाते हैं, नीचे की संस्कृति भी यहां पर आ जाती है। जहां भी इंसान जाएगा, आप देखिए यहां मकान बनाने की संस्कृति है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है इस तरह बहुत सी चीजों में, पहले हमारे वहां यहाँ मकान बनाने का सारे काम बड़े यही का जो मजदूर तबका था, जो यहाँ का शिल्पकार वर्ग था वो करता था, हमारे दूसरे लोग इसको करना नहीं चाहते थे, संख्या बढ़ गई, अब नीचे से इसी काम को करने के लिए लोग आ रहे हैं। जब लोग आएंगे, मेहनत कश लोग आएंगे, वो खाली हाथों के साथ तो नहीं आएंगे ना, दिमाग के साथ आएंगे, अपने संस्कृति के साथ आएंगे, अपनी भाषा के साथ आएंगे। हमारे लोग अमेरिका में जाएंगे तो ओबामा ने एक दिन हमारे वहां व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। दिवाली आखिर किस बात का है? कि जो हिंदुस्तान की या दुनिया की संस्कृति वहां जा रही है, अमेरिका में योगदान दे रही है, उनकी संस्कृति को मान दे रहे, सम्मान दे रहे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो अच्छा प्रोडक्ट है वो जाए, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, उसका शोषण नहीं होगा, लेकिन जो अनस्किल्ड होगा, जिसके पास कोई निर्गा खाली ह्यूमन होगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, जैसा हम देखते हैं दिल्ली में, देखते हैं मुंबई में, देखते हैं बाहर भी जाते हैं। आज भी देखिए जो हिंदुस्तान में दो तरह का माइग्रेशन बाहर देशों को हो रहा है, जो संपन्न है, जो आईटीएल है, प्रोफेसर है, वो यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, जो अनस्किल्ड है चाहे उत्तराखंड से हो चाहे केरल से हो, वो आपके हमारे ये वेस्ट एशिया के कंट्रीज में आ रहा है, कतर है, दुबई है, वहां जा रहे हैं, हमारे लोग वहां छुड़ा भी गा रहे हैं, हमारी संस्कृतियां भी चल रही है। तो ये सवाल के संदर्भ ये फोर्स माइग्रेशन को हमको रोकना है, उसके लिए अपनी खेती पर, अपने पर्यटन पर जोर देना होगा, अंत में शिक्षा के क्षेत्र में भी हम सबको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। पिछली सरकारों ने कुछ कोशिश की थी कि अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो बहुत सा जो आज माइग्रेशन हो रहा है वो दूर होगा। हमारे साथी ने कहा कि डिग्री कॉलेज का बहुत ज्यादा बढ़ा दे, डिग्री कॉलेज को बढ़ाना ही बढ़ाना है, सवाल है कि सरकार को वहां क्वालिटी क्वांटिटी के बाद क्वालिटेटिव एजुकेशन पे भी जोर देना चाहिए। मैं एक बार अगस्त पुरी में गया, वहां मुझे क्योंकि सांसद लोग मिलने आ गए, तो लड़कियों का एक समूह है, छासन अध्यक्ष लड़की थी, मुझे खुशी भी, मैंने कहा बेटा कैसे तुम इतने मेल डोमिनेटेड उसमें छासन की अध्यक्ष बनती है? उसने कहा नहीं ऐसा है सर कि यहां पर 60 और 70% लड़कियां हैं छात्र हैं। मैंने क्यों, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया कि अब लड़कों से जा रहे हैं, लड़कियों का शिक्षा के जोर में बधाई तुमको। उन्हें कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि भाई को माँ बाप ने अच्छी शिक्षा के लिए श्रीनगर भेज दिया है। तो ये जो विषमताएं हैं, इसलिए जितने गांव के नजदीक शिक्षण संस्थाएं बनेंगी, हमारी जो कहते हैं हमारी बेटियां जो 50% है उनका विकास होगा। तो शिक्षा के इंस्टीट्यूशन खुले लेकिन गुणवत्ता पूर्ण भी बने, इसको किसने रोका है? इसलिए आप सब लोगों को राजनीति के स्तर में राजनेताओं को चुनते समय इस बात पर ध्यान दीजिए, शिक्षा के स्तर को, स्वास्थ्य के स्तर पर। मैं नहीं समझता हूं कि अभी मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे,
ये पूरी भारतवर्ष में एक समय था मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम थी, मानव ऐसे थे कि मेडिकल डॉक्टर बनाना बड़ी कठिन था और दुनिया में इसकी बड़ी, तो उसके संदर्भ में भारत सरकारों ने भी नीतियों में बदलाव किया। अब आपके सामने आने वाले समय में मेरे ख्याल से 8-10 मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। अभी तो श्रीनगर बन गया, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उधम सिंह नगर में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्राइवेट संस्था में आप डॉक्टर ज्यादा पैदा करेंगे तो डॉक्टरों की संख्या ज्यादा होगी तो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों का अभाव दूर होगा। तो ये 2-3 चीजें अगर ये रहेंगी तो जो फोर गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन हो रहा है वो थोड़ा सा कम होगा। महिनी संदर्भ के साथ हम सब का सरोकार है। प्रदीप जी, एक सवाल है जो मैं उसके बाद में यहाँ पर आ जाऊंगा, फिर पूछ लीजिएगा। बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। जो 17 साल हो गए इन्होंने जो सवाल बुनियादी उठाया था कि जो काम कर सकते थे यहाँ की सरकार नियम बनाने का, वो नियम बनाने में इतनी ढील क्यों हो रही है जिसकी वजह से आधे से ज्यादा पलायन होता है। नहीं, ऐसा देखिए, अगर मैंने कहा 17 सालों में, देखिए नकारात्मक चीजें भी हैं सकारात्मक चीजें भी हैं। इन 17 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, स्कूलों की संख्या जो पहले, अगर आज से 2007 से पहले जो स्कूलों की संख्या थी, गांव से स्कूलों की दूरी थी, हायर एजुकेशन वो दूरियां कम हुई है। इन 17 सालों में जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे जिसको हम PHC कहते हैं, उनकी संख्या में जो दूरियां थी वो कम हुई है। इन 17 सालों में नेशनल हाईवे 1 किलोमीटर आपके पास नेशनल हाईवे थे, आज ये नहीं कह सकते आप नेशनल हाईवे आगे बढ़े हैं। आज इन 17 सालों में गांव की सड़कों का, मैं पिछले दिनों, मुझे नहीं पता, मैं गढ़वाल के 2-3 जगह चुनाव के अंदर जब मैं गया था, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में गया था, कल प्रयाग में था, वहां ग्रामीण क्षेत्र में सुंदर सड़कें बन रही है। ऐसा मैं ये कह रहा हूं, क्वांटिटी के आधार पर हम बढ़े हैं, क्वालिटी के आधार पर उसमें उतना गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ। हम GDP के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो ह्यूमन गरीबी है, BPL के संख्या भी इसी राज्य में दोहरा तरह का विरोध है। एक तरफ कुछ चीजों की रचना करने में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरह हम समाज के अंदर जो गरीबी की संख्या में कमी होनी चाहिए है, उसमें इस राज्य में 17 साल बढ़ोतरी हुई है। ये जो पक्ष है विरोधाभासी, कुछ चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीजों में हम लोग बहुत जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं है, इस पर सोचने की जरूरत है। 2-3 चीजें, बहुत से सवाल हो जाते हैं। आज का दौर है, हम तय नहीं कर पा रहे राज्य का करेक्टर क्या है। ये मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैंने एक से कहा कि हम देहरादून में बैठना चाहते हैं, यहां पहाड़ के बीच में ये जो पर्वतीय राज्य था, जो हिमालयी राज्य था, वहां बैठना चाहते हैं। आखिर ये राज्य किसके लिए था? ये पर्वतीय राज्य, हिमालयी राज्य का कल्पना की गई थी और जिस राज्य के राजनेता उसमें मैं भी शामिल हूं, हम आज तक ये नहीं तय कर पाए 17 साल में कि हमारी राजधानी कहां पर बनेगी। ये राजधानी का प्रश्न भी है, क्योंकि राजनेता जहां पर बैठेंगे वहां आपका सचिव भी बैठेगा, वहां आपका अधिकारी भी बैठेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य का सचिव गैरसैंण में बैठा हो, शिक्षा का डायरेक्टर गैरसैंण में बैठा हो और कोई अध्यापक चले जाए, साहब मैंने पहाड़ की बहुत सेवा कर दी, अब मेरे बच्चों को बड़ी तकलीफ हो गया, साहब हरिद्वार भेज दीजिए, साहब उधर हल्द्वानी भेज दीजिए। ये जो बहुत सी चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है कि जिन मूल्यों के लिए हमने खुदा, उसमें भाई हमारी राजनीति थोड़ा सा कमजोर है, जिसमें मैं खुद मानता हूं। मैंने अपने साथी मुख्यमंत्री से कहा था, आप इतिहास पुरुष बन सकते हैं अगर इसको आगे बढ़ा दें। मेरी बात कितनी समझ जाती है, मैं आज भी कहता हूं मेरे वहां क्षेत्र में एक बड़ा भौरी डैम बन रहा है, अब विकास किसका हो ये बुनियादी आपने छोड़ दिया, बनाए तो अब हमारी सरकारें भूलने लगी है, आयोग भी बन चुका है, राजधानी पर भी हम लोग अब थोड़ा मुखरित हो गए, राजनेता भी मुखरित हो गए, तो हम तो बहुत से बिंदु है। मुझे लगता है कि बुनियादी जो राज्य के विकास की ओर दौड़ोगे, बहुत कुछ काम भी हुआ है, बहुत कुछ हमने आगे भी बढ़े, लेकिन ये एकदम कह देना कि कुछ नहीं हुआ, मैं सोचता हूँ हम थोड़ा सा न्याय नहीं कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो हुआ, कुछ बढ़े हैं, लेकिन जितना चलना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़े, और उसमें हम राजनेताओं का ज्यादा दोष हो सकता है, लेकिन हम सब का, अगर हम इधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, दोनों लोगों को परस्पर समन्वय करना पड़ेगा, तभी कुछ आगे हो सकता है। मैंने ज्यादा समय लिया, अगर कुछ बातें होंगी तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं
मैं भी समझ रहा था कि हमारे कवि लोग जो आए जिंदगी के लोगों की बातों को उनसे भी बहुत कुछ हमारे लिए होती उस सम्मेलन में मैं भी सुनूं, इसलिए मैं एक बार फिर साक्ष्य के समय साक्ष्य के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले 3-4 सालों से आप लोग इस फेस्टिवल को कर रहे हैं, ये दून का जो हमारा साहित्य फेस्टिवल है, ये हमारी बहुत सी चीजों को इसमें जो देश के अन्य अंचलों के लोग भी यहाँ पर आए हैं, साहित्यकार भी आ रहे हैं, अन्य लोग भी आ रहे होंगे, हमारे जीवन की कठिनाई को देखेंगे, भाषाओं को भी देखेंगे। मैं अंत में इसी साक्ष्य साथ आपका ये प्रयास बहुत सफल रहे हैं। मैं साथियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रवीण को तो मैं बहुत इसलिए भी बधाई देता हूँ कि उसने आप सब लोगों से मुझे जोड़ दिया। राजनीति और भाषा एक दूसरे अलग अलग दिखती है लेकिन दोनों का बहुत ही नजदीकी संबंध है, क्योंकि इस देश में हजारों जो हर वर्ष सुंदर राजनीति ने भाषा के माध्यम से जनता के ऊपर राज किया है, लोक की भाषाओं को स्थान नहीं मिला, लोक कलाकारों को स्थान नहीं मिला और प्रिविलेज क्लास को उन्होंने भाषा के माध्यम से लोगों को हमेशा ऊपर से राज किया है। तो ये सारे सवाल है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। 25 तारीख को क्रिसमस का भी दिन है और नया साल भी हम मनाने जा रहे हैं, नए साल की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और नए साल में इस तरह का जो चिंतन है हमारे प्लान के साथी भी कर रहे हैं, हम सब लोग कोई ना कहीं अगर सार्थक प्रयास करेंगे, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, अगर हम सब लोग सामूहिक प्रयास कर सकते हो सकता हमारी कुछ तकलीफ है कुछ कम हो, कुछ एक नए रास्ते की हम आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।